बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्र करम के नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि लाहौर की सरज़मीन हज़रत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा मकसूद अहमद साहब क़ादरी चिश्ती दामत बरकातुहुल क़ुदसिया, आज हम उनकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए हैं और इनसे दुआएं लेने के लिए। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहिमहुल्लाहु ताला व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्दान, आपकी बारगाह अक़दस में, आपकी मस्जिद में आपने 22 साल से ज़्यादा अरसा वहाँ पर आप रहे और आपने खिताबत और इमामत और सारे उमूर सर अंजाम देते रहे। बड़ी रूहानी इल्मी शख्सियत हैं, हमारी खुशकिस्मती है इन्होंने हमें वक्त इनायत फरमाया। और इनका आस्थाना आलिया हज़रत करमा वाला शीफ से भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हुज़ूर बाबा जी हुज़ूर बहरे करम सैयद मोहम्मद अली शाह सबल बुखारी अलमारूफ हज़रत करमा वाले सरकार, आपकी इन्हें ख्वाब में भी ज़्यारत हुई थी, तो वो एक वाक़या भी आपसे और किस तरह आपने हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मज़ार अक़दस का, आपकी मस्जिद का इफ्तिताह हुज़ूर बाबा जी सरकार ने किस तरह फरमाया, इस हवाले से मैं हुज़ूर से गुजारिश करूँगा कि वो वाक़या वो भी सुना दें और जैसे हज़रत बाबा जी हुज़ूर आपकी ज़्यारत हुई वो भी ज़रूर सुना दें। अल्लाह रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलहु नबीयुल अमीनुल करीम। फिर आप डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया कि आपने इस वली कामिल के बारे में गुज़ारिशात पेश करने का मौका अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल तक मैंने दाता साहब के मिंबर पर खुतबा दिया और आपके मुसल्ले पे नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। सन 86 से लेकर सन 8 तक। अल्लाह अकबर। ये पहली जो नई मस्जिद है उसकी इब्तिदा आपने की थी? जी, नई मस्जिद में मैंने सिलसिला ये शुरू किया खिताबत इमामत का। माशाल्लाह। इस नई मस्जिद का संग बुनियाद रखने के लिए जी शौकत महमूद साहब थे औकाफ़ की तरफ से SDO। SDO थे, ठीक है। उनके दिल में ख़्याल आया कि ऐसे बुज़ुर्ग से इसका संग बुनियाद रखवाया जाए, ठीक है, जो कि मुत्तकी परहेजगार हूँ, मनसब विलायत पर फ़ायज़ हूँ, सही, ख़ुद भी हर रोज़ अच्छा रोज़ा रख कर मस्जिद की तामीर की निगरानी करते थे, उसकी अच्छा। शुक्रिया करवाते थे। SDO साहब जो है खुद भी मुत्तकी आदमी थे, नेक आदमी, माशाल्लाह, गड़ी शाह के रहने वाले थे, ठीक है। उन्होंने मुझे ये वाकया बताया, ठीक है, कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि संग बुनियाद किसी रूहानी शख्सियत से रखवाया जाए, सही। तो किसी ने उनको बताया कि भाटी के अंदर बुजुर्ग रहते हैं, उनके पास जाओ, ठीक है। जब वो उनके पास गए और उनसे गुजारिश की तो उन्होंने फरमाया कि जिन्होंने दाता साहब की मस्जिद का संग बुनियाद रखना है, दाता साहब ने उनको बुला लिया है, वो दाता साहब के मज़ार पे वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने पूछा कि उनकी निशानी, फरमाया सफ़ेद लिबास में है और पग मुबारक भी उनकी सफ़ेद है, सही, और 5-6 उनके मुरीद हैं वो भी साथ, जो भी सफ़ेद लिबास में वो भी उनके पास वहाँ बैठे हुए हैं। माशाल्लाह। दोपहर का वक्त था, वो कहते हैं जब मैं वापस आया मज़ार शरीफ पे तो मैंने देखा कि भाई बुज़ुर्ग वहाँ तशरीफ़ फरमाए, ठीक है। तो किसी से मैंने पूछा कि ये बुज़ुर्ग कौन है जी, तो मुझे बताया गया कि हज़रत सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हैं सज्जादा नशीन दरबार आलिया करमा वाला शरीफ। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने वहाँ जा कर अर्ज़ किया, हुज़ूर सुभान अल्लाह आप तशरीफ़ ले चलें, माशाल्लाह, संग बुनियाद रखें। तो आपने इरशाद फरमाया कि हमें हज़रत दाता साहब ने इसीलिए बुलाया है। सुभान अल्लाह। और आपने संगे बुनियाद रखा और दुआ फरमाई सुभान अल्लाह कि इसकी तामीर में आसानी हो, हाँ, और जल्द अज जल्द ये मुकम्मल हो जाए। इसका मतलब है कि बुज़ुर्गों का रूहानी लिंक जो है जाने के बाद भी उसी तरह, बिल्कुल, इसीलिए इमाम गज़ाली ने फरमाया ना, मैं युस्तमद्दु फ़ी हयात ही युस्तमद्दु बादा ममात ही। अच्छा, ज़िंदगी में जिस बुज़ुर्ग से मदद हासिल की जाए जी,
तो विसाल के बाद भी उनकी मदद का सिलसिला जारी रहता है। वाह 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 वाह, यानी उनके फ्यूज और बरकत जारी रहते हैं, वो बंद नहीं होते, वो जारी रहते हैं। जैसे कि इसकी गवाही दी ना हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, सुभान अल्लाह, जब उन्होंने हजरत दाता साहब के कदमों में चिल्ला किया तो चिल्ला करने के बाद फिर वो फरमाते हैं गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। ये मईउस तमद्दु, ये किस जगह पे आपने फरमाया ये? आप ये मिश्कात शरीफ का बाब है, बाब ज़ियारतुल कुबूर, ठीक है, उसके हाशिए पे ये है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान जी। अच्छा, दूसरा उसके अलावा हमारे सेक्रेटरी औकाफ थे सैयद आले अहमद शाह साहब, उनकी उम्र दराज फरमाए, ठीक है। तो जब वो सेक्रेटरी औकाफ थे तो उन्होंने मुझे कहा कि भी मेरा इरादा है हजरत करमा वाला शरीफ हाजिरी देने का, ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, हम चलेंगे। सही। तो जिस दिन मैंने प्रोग्राम बनाया जाने का, तो उस दिन एक रात पहले ख्वाब में सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुझे ज्यारत हुई। आपको ज्यारत हुई? जी हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, आपने भी मुसाफे के लिए अपना मुबारक हाथ मुझे दिया, तो मैंने इरादा किया बोसा देने का, ठीक है, तो आपने अपना हाथ खींच लिया, पीछे कर लिया। जी हाँ, सही। तो एक दो दिन के बाद जब मैं गया सैयद आले अहमद शाह साहब के साथ, ठीक है, हजरत साहब की ज्यारत के लिए वहाँ करमा वाला शरीफ, तो जब मैं मुसाफा आपसे किया और आपने हाथ बढ़ाया, तो मैंने इरादा किया बोसा दिया निकाल, फिर आपने हाथ खींच लिया, वही ख्वाब वाला सीन, वही दोबारा जय खा, बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो उसके साथ ही आपने ये इरशाद फरमाया कि आप दाता साहब के मिंबर पे बैठते हैं और दाता साहब के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते हैं, सुभान अल्लाह, तो आपकी बड़ी शान है, वाह वाह, तो इसलिए मैं अपना हाथ जो है ना पीछे कर लिया, यानी आले इल्म के वो कदरदान, बहुत ज्यादा इज्जत कदर करने वाली शख्सियत थी और बड़ी रूहानी शख्सियत थी, सुभान अल्लाह, सादा जिंदगी गुजारी उन्होंने, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके फ्यूज़ और बरकात से हम सबको फैज़ याफ़। आमीन। आपका बेहद शुक्र।